गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पना फोतेदास किचन। ये तेल है, सितरुई का तेल कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों में जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो 4th डे ये तेल बनता है विद ड्राई फ्रूट्स, और इसे मायके भेजा जाता है, लड़की के मायके भेजा जाता है, ताकि वो सब रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर सके कि हमारे यहाँ खुशखबरी है और बच्चा पैदा हुआ है। तो ये बहुत हेल्दी भी है, वाइट तिल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अदरवाइज भी हम इसे खा सकते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। तुरई का तेल बनाने के लिए मैंने थोड़ी तैयारी करके रखी है। इसमें तिल है, सफ़ेद तिल है, ये सफ़ेद तिल का बनता है। अराउंड 100 ग्राम्स फुल कटोरी में आता है, उससे थोड़ा लेस है। काट के मैंने नारियल रखा है, सूखा नारियल। इसमें अखरोट है, इसमें कड़ी शक्कर, मतलब ऐसा नाबद डालते थे तो यहाँ पे ऐसा शुगर मिलता है क्यूब्स, तो वो रखे हैं। इसमें मेलन सीड्स है, बादाम है, किशमिश है, काजू है और नमक है। और यहाँ कढ़ाई में मैंने इसे 2 टेबलस्पून ऑयल रखा है। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में बनता है, पर मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं डाल रही हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। गैस ऑन किया, तेल गर्म हो गया। सबसे पहले मैं नारियल को फ्राई करती हूँ, अखरोट, बादाम, ये फ्राई हो गया। मैं गैस को सिम कर रही हूँ और इसको मैं निकालती हूँ। तेल गरम है, मैं इसमें तिल को डालती हूँ। जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक इसको करेंगे फ्राई। अभी थोड़ा ब्राउन हो गया, देखिए इस स्टेज पे ना आप इसमें नमक डालिए थोड़ा। नाबद, आप नाबद भी यूज कर सकते हैं। इसको बॉम्बे में कड़ी शक्कर बोलते हैं या शुगर क्यूब्स। अभी किशमिश, मेलन सीड्स, रोस्टेड काजू, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा रेडिश हो गया। तो इस स्टेज पे मैं जो मैंने फ्राई किए हुए थे ना ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स, इसमें ऐड करूंगी। बस तेल अब तैयार हो गया, क्योंकि इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा, जलने की टेस्ट आ जाएगी। तो आप ही बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको मेरा तेल वाला वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।